मिर्जापुर में यूपी पुलिस की बेवसी नजर आई। AK-47 राइफल उठाए दरोगा जी, खाते रहे धक्के, सुनते रहे लोगों की गालियां, माफी मांगी तब छूटी जान। AK-47 सीने पर सटा कर युवक ने कहा दम है तो मारो गोली, जम कर हुआ हंगामा। युवक की धमकी प्रदेश में किसी कुर्मियों पर हाथ उठाया तो SO साहब को औकात में ला देंगे, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मिर्जापुर में सुबह पुलिस और युवक के बीच एक विवाद हुआ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। वीडियो मिर्जापुर के अरोरा थाना क्षेत्र के इमलिया चट्टी पुलिस चौकी प्रभारी अजय श्रीवास्तव का है, जो कि अपने ही चौकी क्षेत्र के भुड़कुड़ा गांव की नाली के विवाद में शिकायत के आधार पर पहुंचे थे। इसी बीच गांव के युवक ने आरोप लगाया कि पंचायत के बीच ही दरोगा ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। इस पर युवक आक्रोशित हो गया, उसने दरोगा को घेर लिया। दरोगा के हाथ में AK-47 लिए खड़े थे युवक और उनके साथ लोग दरोगा पर जमकर भड़ास निकाल रहे थे। युवक दरोगा से माफी मांगने पर अड़े थे, वहीं मामला बढ़ता देखकर दरोगा ने माफी मांगी। इसके बाद लोग खुश हुए। इसी बीच युवक ने AK-47 सीने पर लगाकर कहा दम है तो मारो। इसके साथ ही युवक ने प्रदेश के किसी भी कुर्मी के साथ उत्पीड़न होने पर धमकी दे दी कि इसका बुरा अंजाम होगा। लेकिन मुझसे कोई गलती नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं है। पैतरेबाजी है ना, पैतरेबाजी आप लोगों के साथ चलाना यार, ठीक है अजय श्रीवास्तव जी, ये पैतरेबाजी और लोगों के साथ चलाना। अब मारे क्यों, पंचायत हो रही थी ना, पंचायत में अपने डिफेंस लेके आए, पर मार बताओ तुम मारे हो उनको, तुम मारे हो बोलो, माफी मांग रहे हैं। बस 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 बहुत पूरा बता दें आपको। अरोरा के इमलिया चट्टी चौकी के अंतर्गत ग्राम भुड़कुड़ा में दो पट्टीदारों के बीच में पानी को लेकर विवाद हो रहा था कि पानी बहाना चाहते हैं कोई। इसमें एक पक्ष राजकुमार सिंह थे और दूसरे पक्ष पे संदीप सिंह और प्रदीप सिंह, अमित और अतुल थे। अमित और अतुल की तरफ से संदीप सिंह और प्रदीप सिंह भी थे शामिल। सूचना पे चौकी प्रभारी अजय श्रीवास्तव गांव में गए, दोनों में विवाद हो रहा था और विवाद को हटाने के लिए उन लोगों ने दोनों पक्षों को हटाना चाहा, जिस पे एक पक्ष जिसमें कुछ नेतागण भी शामिल थे और आक्रामक हो गया और चौकी प्रभारी के विरुद्ध भी उसने जो है बल प्रयोग करने की कोशिश की, उनका रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और किसी तरह से उन्होंने स्थिति पे काबू पाया। उसके बाद अभियोग पंजीकृत कराया गया है। राजकुमार सिंह के ऊपर अटैक हुआ था तो उनकी तरफ से NCR दर्ज की गई है और चौकी प्रभारी और उनके हमराही पे जो हमला हुआ था इसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 266/18 और सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर से ये थी वसीम खान की रिपोर्ट।